हेलो दोस्तों, मैं आपका हर्ष सिंह यश बिल्डर से। आज मैं श्वेता जी के साथ हूँ। हम लोग बेसिकली मैदानता वाली साइट पर हैं, जिसका नाम है यश रेजिडेंसी। यहाँ हम लोग 45 के करीब घर बना रहे हैं। सभी मकान डुप्लेक्स हैं। प्राइस है 70 लाख रुपए। LIC से अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है हमारा। 7.5 के इंटरेस्ट रेट पर आपको यहाँ पे लोन मिल जाता है। हेलो श्वेता मैम, कैसी हैं आप? मैं बढ़िया हूँ। तो मैम बताएं इस घर के बारे में दोबारा, क्योंकि तो पहले हम लोगों ने जो वीडियोस बनाई थी वो इनकम्प्लीट घर थे। तो क्लाइंट ये था कि जब कंप्लीट होगा तो कैसा दिखेगा। तो आज हमने कंप्लीट कर लिया, तो आज हम इसमें पूरा देखते हैं। हम ट्रिप का टूर करते हैं इस घर का, कि कैसा घर है, कैसा नहीं है, कैसा दिख रहा है और कैसा इससे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स होंगे इस घर में। रेडी टू मूव में जाना चाहते हैं तो ये पूरी रो आपके लिए है। कुछ इसमें सोल्ड आउट भी हो चुके हैं, बट आपके अवेलेबल हो जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये रो है। अगर आप रेडी टू मूव में जाते हैं तो इस तरह का एलिवेशन आपको मिलेगा। साथ ही साथ आप थोड़ा बहुत कस्टमाइज करवाना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग, तो ये रो आपके लिए है। इसमें बाहर का एलिवेशन सेम रहेगा, बट अंदर का थोड़ा बहुत आपके अकॉर्डिंग कस्टमाइज हो सकता है। साथ ही साथ ये आप देख सकते हैं, अगर मैं स्क्वायर फीट की बात करूँ तो 1010 आपका स्क्वायर फीट रहेगा। कवर्ड एरिया आई थिंक ये आपका सिर्फ 1550 के आसपास रहेगा। 1550 आपका कवर्ड एरिया रहेगा। फ्रंट जो है मोर देन 20 आपको मिलने वाला है। डेप्थ आपकी 50 रहेगी। 3 BHK हाउस है ऑलरेडी। अगर 2 BHK में आप स्विच करना चाहते हैं, लोकेशन थोड़ी सी आप स्विच कर सके, तो उसके लिए आपके लिए अर्जुन विला रहेगा जो कि अर्जुनगंज में है, या यशपाक सिटी रहेगी। डुप्लेक्स में आपको आना है तो आप यहाँ आ सकते हैं। लोकेशन बहुत प्राइम होने वाली है, जैसा कि हमने दिखाया है। लूलू मॉल, मेदांता, प्लासियो, ये सब आपके पास रहेगा। लोकेशन आपकी निर्मथा रोड है, अशोक विहार कॉलोनी लगता है। गेटेड सोसाइटी, 24/7 आपको सिक्योरिटी मिलेगी। एंट्री करते आपको पॉश एरिया चुका सा मिल जाएगा, जिसमें आप एक वेन्यू तक की गाड़ी आराम से खड़ी कर सकते हैं। इंडिपेंडेंट सीरीज समरसेबल दिया गया है और समरसेबल का आउटलेट आप देख सकते हैं, आउटपुट उधर दिया गया है। इस पोर्शन में आप कोई भी गाड़ी टू व्हीलर खड़ी कर सकते हैं, इवन गमले लगा सकते हैं, करेले का पौधा लगा सकते हैं आप। चलिए अब हम चलते हैं। यहाँ पे डुअल एंट्री है आपकी। ये फर्स्ट आप यहाँ से एंट्री करेंगे तो ड्राइंग रूम चले जाएंगे, सीधा जाएंगे तो आप लॉबी में चले जाएंगे। तो हम लोग चलते हैं सीधा लॉबी में। ये देखिए, यहाँ से इतना एंट्रेंस आपको मिलेगा। गाड़ी खड़ी करने के बाद आप आराम से अंदर जा सकते हैं। और चलिए हम लोग पहले लॉबी में चलते हैं। सबसे मेन जो पार्ट होता है लेडीज के, वो आपका किचन होता है। तो हम पहले सबसे पहले किचन ही देखेंगे। ये आपका मॉडर्न किचन है। आपको यहाँ पर चिमनी प्री इंस्टॉल मिलेगी जो कि सनफ्लेम की रहेगी। सर सनफ्लेम की रहेगी इसमें। साथ ही साथ आपको विंडो दी गई है ताकि लाइटिंग की भी दिक्कत ना हो, थोड़ा बहुत धुआं रहता है ना, वो भी आपका आराम से पास हो जाएगा। ओके, इधर आपको ड्रॉइंग रूम दिखा रहे थे जो कि हमने स्किप कर दिया था। इस बार पैटर्न चेंजेस हो गए हैं, पहले से बेहतर पैटर्न लेकर आए हम लोग। और फाल सीलिंग भी पहले से हमने डिजाइन चेंज किया है। ये देखिए आप कितनी बेहतरीन लग रही है। इवन आपके घर में कोई फोटोग्राफी का शौक लगता है तो यहाँ पे फोटोग्राफी की स्किल्स आप दिखा सकते हैं। घर वाला सेल्फी पॉइंट हो सकता है जी। इधर आपको विंडोज मिल जाती है, एंटी मॉस्किटो डोर्स के साथ। मच्छर आपके घर में बिल्कुल भी नहीं आएंगे। AC की फिटिंग्स मुझे देख रहा हूँ कि सभी जितने भी कमरे हैं, ड्राइंग रूम है, सब में AC की फिटिंग दे रखी है। वायर जो है हेवल्स की हैं, RR की केबल्स हैं, AC के कनेक्शन दे रखे हैं। तो आपको जब आप घर में शिफ्ट करेंगे तो आपको कोई प्री इंस्टॉल सब कुछ मिलेगा। आपको कुछ अलग से इलेक्ट्रिसिटी का काम नहीं करवाना पड़ेगा, सब कुछ हमने दिया हुआ है। ये देखिए आप, डाइनिंग एरिया है, बहुत खुला डुला है। आप यहाँ पर डाइनिंग टेबल लगा सकते हैं, आराम से रह सकते हैं। एक फैमिली आराम से रह सकती है इसमें। इनफ, मोर देन इनफ है। सबसे बड़ी बात है इसकी लोकेशन। मैदानता आपका 1 किलोमीटर है, लुलू मॉल 2 किलोमीटर है और सारी हार्डली आपको 5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे होगा। ओके, और इस साइड आपका वॉशरूम मिल जाता है जो कि आपका इंडियन रहेगा। ये इंडियन वॉशरूम है, देखिए पूरी सफाई की गई है। फिनिशिंग बाकी है इसमें। वो आपका OTS दिया गया ऊपर, नीचे यहाँ पे बेसिन लगेगा हाथ धोने के लिए। ऊपर आप मिरर लगा सकते हैं, मिरर लगा सकते हैं। उसके बाद हम लोग चलते हैं मास्टर बेडरूम में। इसमें फॉल सीलिंग है, विंडो दी गई है। अगर आप इस साइड AC लगवाना चाहेंगे
जी। और फिर आपका अटैच वॉशरूम है ये, जो कि आपका वेस्टर्न रहेगा। इसमें अगर आप चाहें कुछ भी इंडियन चाहते हैं तो इंडियन में मिल जाएगा, ज़्यादातर वेस्टर्न ही प्रेफर किया जाता है, तो वेस्टर्न ही सीट लगेगी इसमें। उसके बाद हम चलते हैं सेकंड बेडरूम में, ये देखें कितनी अच्छी वार्डरोब है। इसकी सेटिंग के लिए हमने एक दूसरा पोर्शन दे रखा है, ये है आपका, यहाँ पे आप चाहे पूजा घर बना सकते हैं, पूजा घर नहीं बनाना तो आप अलमीरा सेट कर सकते हैं अपनी। और फिर ये आपका रहेगा दूसरा वेंटिलेशन एरिया, जिसमें आप अपनी वॉशिंग मशीन रख सकते हैं, टैप्स वगैरह देखिए यहाँ पे बना हुआ है टैप्स के लिए। टैप्स हमने इसमें शो नहीं किए हुए, रीज़न ये है कि जब गृह प्रवेश करते हैं तो हम नहीं चाहते इसमें कोई मल मूत्र जाए, बेसिकली हम पूरा प्योर घर आपको देते हैं। टैप हम तब लगाते हैं जब आप इसमें गृह प्रवेश करते हैं, बिफोर जस्ट बिफोर योर गृह प्रवेश। अब हम चलेंगे फर्स्ट फ्लोर वाले घर पे। ओके ठीक है, काफ़ी अच्छा दिया गया है एक्चुअली। हाँ, ये तीसरा बेडरूम है जिसे हम कहते हैं 3 BHK, दिस इज द थर्ड वन, अटैच्ड लैट बाथ के साथ। ये जो रूम साइज है आप, मुझे लग रहा 14x12 के करीब है, फिर सबसे बड़ा कमरा ये है जी। जी आपका 12x14 है, फिर आपको ये इंडियन वेस्टर्न कस्टमर चूज कर सकते हैं। ओके उसके बाद हम चलते हैं बालकनी पे। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ऑफ एनी होम एनी हाउस। मैम आप वीडियो में वो करिए, मैं जी जैसा कि आप देख सकते हैं बालकनी आपको बहुत ही अच्छी मिल जाती है। एक मिनट में यहाँ से आपको बालकनी दिखा देती हूँ। सामने आप देख सकते हैं जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन की बात हुई थी, तो ये आपके हाउसेज बन रहे हैं, 44 units के हाउसेज हैं आपके। अब मैं बात करती हूँ कि आपके किससे अप्रूव्ड है, साथ ही साथ किस बैंक से आपका लोन हो सकता है। तो ये हमारी नगर निगम अप्रूव्ड साइट है। लोनिंग की अगर बात मैं करूँ, LIC होम से हमारी साइट अप्रूव्ड रहती है, 80-85% आपका आराम से लोन हो सकता है। 3 BHK हाउसेज है, मैंने आपको सारी डिटेल ऑलरेडी कवर कर दिए है, और हो सकता है कुछ डिटेल्स हमसे स्किप हो गई हों, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर रहेगा, वहाँ से आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। And thank you for watching this video. Bye bye.